माहौलियात और लाइफस्टाइल की रिपोर्ट्स पर मबनी शो सवाल के साथ मैं हूं बीनिश जावेद। क्या सुनामी जैसी खतरनाक कुदरती आफत से पहले लोगों को खबरदार किया जा सकता है और क्या मुमकिन तौर पर जानी नुकसान से बचा जा सकता है, बताएंगे हम आपको आज के शो में। इसके अलावा सवाल में आज दरियाफ्त किया गया है उड़ने वाले डायनासोर का ढांचा, फिजा में रक्स ये फन है एक यूनानी डांसर का, और एक ऐसा शो जो स्टेज नहीं बल्कि पानी पर पेश किया गया। सुनामी का शिकार साहली इलाकों पर बसने वाले ऐसे अफराद बनते हैं जो इस आफत से बेखबर होते हैं। तहम किसी बड़ी लहर से पहले कुछ ऐसे इशारे जरूर मिल जाते हैं जिन्हें किसी हद तक इंतबाह के तौर पर लिया जा सकता है। पुर्तगाल में साइंसदानों की टीम एक ऐसे निज़ाम की तैयारी में मसरूफ है जो इस खौफनाक कुदरती आफत से पहले लोगों और इंतजामिया को खबरदार कर सके। साहिल का ये इलाका मज़े और आराम का दूसरा नाम है, मगर यहाँ हर लम्हा ये खदशा भी किसी न किसी सूरत ज़रूर मौजूद रहता है कि कोई बड़ी लहर गैर मुतवक्क तौर पर यहाँ आन पहुँचे। साइंसदान ऐसी किसी ख़तरनाक सूरत हाल की बेहतर पेशगोई चाहते हैं। पुर्तगाल के इलाके सेतोबाल के नवाह में यूरोपी रिसर्च प्रोजेक्ट के साइंसदान एक ऐसे आले की आजमाइश कर रहे हैं जो ऊँची होती लहरों को जाँच सकता है और साहिल पर मौजूद लोगों को खबरदार कर सकता है। हम समझते हैं कि एक मकाम पर समंदरी सतह की पैमाइश और जांच को रियल टाइम इस्तेमाल करके दूसरे मकाम पर इंतबाही पैगाम जारी करना मुमकिन है। एक फ़ाल सुनार सौती मौजों के जरिए ये जांचा जा सकता है कि समंदर की सतह कितनी बुलंद है। अगर पानी तेजी से बढ़ता है तो इस आले के नीचे से बड़ी लहर गुजरती है। उमूमन मौजी पैमाइश का निज़ाम एक फिक्स सपोर्ट के साथ काम करता है, मगर इस तजुर्बे में वो ऊपर और नीचे हरकत कर रहा है जो समंदर की सतह में इजाफे या कमी की अक्कासी करता है। सुनार की यह हरकत किसी सुनामी की आमद की नकल कर रही है। लिस्बन शहर को 1755 में ऐसी ही एक समंदरी लहर ने तबाह कर दिया था। ये झुकाव सुनामी की लहर को जाहिर कर रहा है जो सेंसर के नीचे से गुजर रही हैं, जिसके जरिए तेजी से पानी की सतह में इजाफा जांचा जा सकता है। इटली के इलाके इस्परा में जॉइंट रिसर्च सेंटर की यूरोपी क्राइसिस मैनेजमेंट लेबोरेटरी कुदरती आफात से मुतालिक मुख्तलिफ ज़राए से डेटा जमा करती और जांचती है। GDACS यानी आफात के इंतबाह और राब्ताकारी का आलमी निज़ाम, ये सिस्टम खुदकार तरीके से खतरात की जांच और इंतबाह के ख्वाहिशमंद अफराद तक ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस और दीगर ज़राए से पैगाम भेजता है। इस निज़ाम की सब्सक्रिप्शन मुफ्त और सबके लिए है। हम सिर्फ सुनामी ही की निगरानी नहीं करते बल्कि जलजलों, सैलाबों और समंदरी तूफानों पर भी निगाह रखते हैं। यहाँ ये इंसानी आबादी को लाहिक खतरात के एतबार से मुख्तलिफ रंगों से वाज़े हैं। यहाँ सेतुबाल में ये मैसेज डिजिटल पैनल तक 30 सेकंड में पहुँच जाता है। इस आले के लिए ज़रूरी है कि सुनामी की लहर की तस्दीक करे और गलत इंतबाह जारी न करे। सुनार से इस फासले पर इंतबाह के बाद साहिल पर मौजूद लोगों के पास 3.5 मिनट हैं कि वो साहिल से दूर किसी बुलंद मकाम पर पहुँच जाएँ। इस हल को जो चीज़ बहुत ही दिलचस्प बना देती है वो ये है कि ये लिखी हुई इबारत के साथ साथ सायरन का इस्तेमाल भी करता है। ये वाकई एक बड़ी मुनफरिद बात है। इस तजर्बे के नताइज यूरोपी साहिलों के तहफ्फुज़ के लिए पेशगी इंतबाह के निज़ाम की तख्लीक में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। एक ऐसा उड़ने वाला डायनासोर जिसके परों का फैलाव 20 मीटर तक था और जो जमीन पर खड़े खड़े जराफे से भी ज्यादा ऊंचे कद का मालिक होता था। इस परिंदे का एक ढांचा कदीम हयातियात के माहिरीन को रोमानिया से मिला, जिसने साइंसदानों को हैरान कर दिया।
ये आज तक दरियाफ्त किया गया सबसे बड़े और वजनी फ्लाइंग डायनासोर का ढांचा है। हैरानकुन दरियाफ्त। यहाँ एक डायनासोर परिंदे के 66 मिलियन साल पुराने बहुत बड़े ढांचे को जोड़ा जा रहा है। ये एक टेरोसोर या फ्लाइंग डायनासोर का आज तक दुनिया में कहीं भी दरियाफ्त होने वाला सबसे बड़ा ढांचा है, जिसे पहली बार पूरा जोड़ा गया है। ये ढांचा रोमानिया के नापैद हयातियात के माहिर माटियास व्रेमिर ने दरियाफ्त किया था। उन्हें फॉसिल बन चुकी कदीम हयात की बाकियात की तलाश का बहुत वसी तजर्बा है, फिर भी उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। ये एक ऐसी दरियाफ्त थी जिसे समझने में हमें बड़ी देर लगी कि ये है क्या। टेरोसॉर्स के बारे में हम जो कुछ भी जानते थे, इसके मुकाबले में ये ढांचा बहुत बड़ा था। ये इतना बड़ा है कि मेरा दिमाग पहले तो इसे कबूल ही ना कर सका। टेरोसॉर्स के परों का फैलाव पहले ज्यादा से ज्यादा 10 मीटर तक समझा जाता था, अब 15 मीटर से भी ज्यादा। परों का फैलाव एक बड़े ट्रॉलर जितना। इसकी कमर पर तो बैठकर कोई इंसान उड़ भी सकता था। माटियास व्रेमिर ने ये फॉसिल 2009 में रोमानिया में ट्रांसिल्वेनिया के इलाके में दरियाफ्त किया था। उन्होंने एक दूरबीन से देखा था कि किस तरह इस नापैद परिंदे की बड़ी बड़ी हड्डियों के सिरे एक चट्टान से बाहर निकले हुए थे। इन फॉसिल्स को निकालना भी बहुत पेचीदा अमल था। रायमोंड आल्बर्ट डॉल्फिन भी कदीम हयातियात के माहिर हैं और उन्हें फॉसिल जमा करने का वसी तजर्बा है। इस परिंदे के ढांचे को चट्टानों से निकालने में वो भी शामिल थे। डायनासोर परिंदे की ये हड्डियां न उड़ने वाले डायनासोर्स की हड्डियों के मुकाबले में बहुत ही नाजुक हैं। इन हड्डियों की बैरूनी तह बहुत बारीक है। इनके अंदर तकरीबन कुछ भी नहीं। ये स्पंज की तरह का नरम गूदा था जिसमें 90% से जायद सिर्फ हवा थी। ये हड्डियां बिल्कुल भारी नहीं थीं। इन्होंने इस परिंदे की परवास की अहलियत बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी। बहुत ही कम वजन हड्डियां। ये जर्मनी में म्यूनिख से करीब 100 किलोमीटर दूर वाके डायनासोर पार्क है, जहाँ इस परिंदे के मुकम्मल ढांचे की पहली बार नुमाइश की गई। लेकिन ये उड़ने वाले डायनासोर जमीन पर कैसे चलते थे? दीगर परिंदों के बरक्स बहुत बड़े होने के बाइस शायद दोनों पैरों और दोनों परों पर, बंद किए हुए पर अगली टांगों जैसे। ये वाज़े नहीं कि इन परिंदों ने उड़ना कैसे सीखा। चंद माहरीन के मुताबिक उन्हें उड़ने के लिए किसी पहाड़ी चोटी से छलांग लगाने की जरूरत होती थी, फिर वो हवा के साथ फिजा में बुलंद हो जाते थे। ये भी मुमकिन है कि बाद में इन परिंदों ने उड़ना बंद कर दिया हो। फ्लाइंग डायनासोर के इस ढांचे के साथ साइंसदानों को कई नए सवाल भी मिले। आल्ट म्यूलटाल नामी जर्मन शहर के इस म्यूजियम में आने वाले मेहमान तो हैरान रह जाते हैं। लगता तो ये नाकाबले यकीन है, लेकिन इस जमीन पर इतने बड़े हजम वाले फ्लाइंग डायनासोर्स मौजूद थे। अब वक्त है एक ब्रेक का, जिसके बाद मुलाकात कराएंगे आपकी एक ऐसी डांसर से जो इंतहाई ऊंचे और पुर खतर मकामात में रक्स करके कर देती हैं सबको हैरान। ये DW उर्दू की वेबसाइट है। आजाद सहाफत, खबरें, पस मंजर, तज्जिये और तबसरे जर्मनी, यूरोप और दुनिया भर से dw.com/urdu। एक यूनानी डांसर अपनी फजाई बाजीगरी का मुजाहिरा चकरा देने वाली बुलंदियों पर करती हैं। इनका स्टेज 16 मीटर लंबा सिल्क का एक कपड़ा है, जबकि बैकड्रॉप या स्टेज के पस मंजर में हसीन मनाजिर नजर आते हैं। अपने फन से वो दुनिया को ये भी बताना चाहती हैं कि इनका मुल्क यूनान कितना खूबसूरत है। फजाई रक्स। यूनानी एक्रोबेट या बाजीगर कैथरीना सोल्दातो अपने रक्स का मुजाहिरा खौफ दिलाने वाली बुलंदियों पर करती हैं, जिनका पस मंजर भी इंतहाई हसीन होता है। रक्स अपने जज्बात के इजहार का जबरदस्त जरिया है। आप आजाद होते हैं, आप हवा में रक्स करते हैं, ये जादू की तरह है। वो अपने इस जादुई रक्स की वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड करती हैं और ये वीडियोस अपनी वेबसाइट ग्रीस हैज सोल पर शाया करती हैं। इस वेबसाइट का मकसद यूनान की खूबसूरती और तारीख को उजागर करना है। इस मकसद के लिए वो अपने 16 मीटर लंबे सिल्क के साथ इन जगहों पर अपना रक्स पेश कर चुकी हैं। कोरिंथ कैनाल,
میتھیورا کی چٹانیں اور جزیرہ سینتورینی۔ اس طرح کے مقامات پر فضائی رقص کا مظاہرہ کرنے کا خیال انہیں اچانک ہی آیا۔ میں ایک بادبانی کشتی پر چھٹیاں منا رہی تھی تو میں نے سوچا کہ اس کشتی پر فضائی رقص کرنا اچھا رہے گا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے اپنی سلک کے ساتھ آؤٹ ڈور رقص کیا۔ کیترینا سولداتو نے جدید رقص کی تعلیم حاصل کی ہے، اب وہ اسے بازیگری کے ساتھ جوڑ رہی ہیں۔ دو ہزار تیرہ میں ان کے اسکول بیونڈ ایریل نے ایتھنس میں اولمپک ایکویٹک سینٹر بنایا۔ تیراک پانی کے نیچے جا کر اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں تو کیترینا چھت کے نیچے فضا میں تربیت کراتی ہیں۔ وہ اپنے رقص کی روزمرہ کی ریہرسل بھی یہیں کرتی ہیں، مگر ایک چیز ایسی ہے جس کی تیاری وہ یہاں بند جگہ نہیں کر سکتی۔ اگر آپ بند جگہ پر ہیں تو آپ کا موسمی حالات سے واسطہ نہیں ہوتا، لیکن باہر اگر آپ ایک پل کے نیچے لٹک رہے ہیں تو مشکل بات یہ ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزوں سے نمٹنا پڑتا ہے۔ یہ بعض اوقات خطرناک ہو سکتا ہے۔ چھ تربیت یافتہ کوہ پیماؤں اور کیمرہ آپریٹرز کی ٹیم کے ساتھ کیترینا بہترین مقامات کا چناؤ کرتی ہیں۔ ہر ایک پرفارمنس کے لیے ہفتوں تک منصوبہ بندی ہوتی ہے، بعض اوقات تو مہینوں تک۔ ایکسٹریم ایتھلیٹ سپیروس بادیوس ویڈیوز بنانے کے ذمہ دار ہیں۔ بعض اوقات یہ بہت چیلنجنگ ہوتا ہے، فلم کرنے کے حوالے سے نہیں بلکہ آپ کو ٹیم ورک میں کیترینا کی مدد کرنا ہوتی ہے۔ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد سے مل کر اس کی تیاری پر کام کرتے ہیں۔ کیترینا سولداتو اور ان کی ٹیم کے لیے گریس ہیز سول پروجیکٹ دراصل محبت کی محنت ہے۔ اس کے لیے ٹوریزم بورڈ یا دیگر اسپانسرز کی طرف سے فنڈنگ نہیں کی جاتی، لیکن یہ حیران کن کرتب بین الاقوامی توجہ حاصل کرنے میں ضرور کامیاب رہے ہیں، اور کیترینا کے پاس ایسے مقامات کی ایک طویل فہرست ہے جنہیں لازمی طور پر دیکھنا چاہیے۔ میں یونان کے بلند ترین مقام پر ضرور جانا چاہوں گی جو کہ اولمپس ماؤنٹین ہے، اور میں کریٹ اور ساموتھری کی بھی جانا چاہوں گی۔ یعنی وہ اپنا فضائی رقص جاری رکھنے کا ارادہ رکھتی ہیں، جو یونان کے قدرتی حسن اور اس کی تاریخ کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنے کا ایک دلچسپ طریقہ ہے۔ تو حیران کیا آپ کو اس نوجوان ڈانسر کے انداز نے؟ اب وقت ہے ایک بریک کا، لیکن کہیں مت جائے گا کیونکہ بریک کے بعد دکھائیں گے آپ کو فن اور تخلیقی صلاحیتوں کا ایک اور منفرد انداز۔ فیس بک اور ٹویٹر، موضوعات جو زیر بحث ہیں، معلومات جو لوگوں کو جوڑتی ہیں، آپ کی رائے ڈی ڈبلیو فیس بک اور ٹویٹر پر۔ اسٹیج شو، تھیٹر یا اوپرا پرفارمنس کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے، لیکن کیا آپ نے فنکاروں کو پانی کے اوپر اپنی جاندار پرفارمنس پیش کرتے دیکھا ہے؟ ہم لیے چلتے ہیں آپ کو پیرس کے نواح میں، جہاں پیش کیا گیا ایک ایسا انوکھا شو جس نے تماشا بینوں سے خوب داد وصول کی۔ یہاں پانی کے اس اسٹیج پر خوابوں کی عجیب و غریب دنیائیں حقیقت بن جاتی ہیں۔ اس شو کا نام ہے اکوا فورت۔ یہ فرانسیسی تھیٹر گروپ ایلوٹوپی کی تخلیق ہے، جس کا اسٹیج پیرس کے قریب سے گزرنے والے دریا مارن پر سجایا گیا ہے۔ ہم نے آج تک ایسا شو نہیں دیکھا، بہت ہی شاندار، حقیقتاً غیر معمولی۔ مختلف ایسے رنگوں سے ترتیب دیا گیا شو جو ایک دوسرے میں گل مل جاتے ہیں اور مل کر ایک شاندار تصویر بناتے ہیں۔ بچوں کو روشنی اور آتش بازی بہت پسند آئی۔ اس شو کا ماحول کسی خواب سے کم نہیں ہے۔ اکوا فورت ایک ایسے مرد کی کہانی ہے جس کی زندگی ایک روز اچانک بحران کا شکار ہو جاتی ہے۔
सुबह उठते ही वो जो कुछ सोचता और पढ़ता है वो सब कुछ हकीकत का रूप धार लेता है। इसके इर्द गिर्द का माहौल भी बदल जाता है। इस शो में हमारे माशरे के एक ऐसे पहलू को पेश करने की कोशिश की गई है जो खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही तश्वीशनाक भी है। डोमिनिक नोएल अक्वाफोर्ट की डायरेक्टर हैं। उनकी टीम 30 अफराद पर मुश्तमिल है जिसमें टेक्नीशियन, मौसीकार, अदाकार और बाजीगर सभी शामिल हैं। पानी पर ड्रामा पेश करना खुद अपने अंदर ही एक शाहकार है। पानी से सबका कोई ना कोई राबता होता है। मद्दाह रवायती स्टेज के बजाय पानी पर ड्रामा देखने के लिए आसानी से आ जाते हैं। अपनी वसत यानी गहराई और चौड़ाई की वजह से पानी एक ऐसा स्टेज है जो रवायती थिएटर में दस्तयाब नहीं। पानी पर ड्रामा पेश करना एक मुश्किल काम है। दरिया में बहाव होता है, अदाकार तैरते हुए एक जजीरे पर होते हैं। पूरे अमल की हर रुख से जांच पड़ताल जरूरी होती है। कुछ में रिवायती इंजन लगे हुए हैं जबकि चंद एक बैटरी से चलती हैं। कुछ को पैरों से कंट्रोल किया जाता है। फ्रांसीसी अदाकार विसान सां लोबेर इस शो में 3 मुख्तलिफ किरदार अदा कर रहे हैं। एक मंजर में उनको ऐसी अदाकारी करना है जैसे वो पानी पर साइकिल चला रहे हों। रोशनी को मैं यहाँ से कंट्रोल करता हूँ। पीछे जानिब यानी सामान रखने की जगह पर मेरे दूसरे कॉस्ट्यूम हैं, जिन्हें शो के दौरान पानी के स्टेज पर ही तब्दील करना होता है। साइकिल को आगे या पीछे करने के लिए हैंडल पर एक गैस पेडल है। शो के दौरान दीगर अदाकारों का ख्याल रखना भी लाजमी होता है। एलोटोपी अपने ड्रामे सिर्फ पानी के स्टेज पर ही नहीं बल्कि रिवायती थिएटर में भी पेश करता है। इसके फनकार सड़कों और अवामी मकामात पर भी अदाकारी के जौहर दिखाते हैं। एलोटोपी के बानी और शो के डायरेक्टर ब्रूनो श्वेबलेन के लिए ये सब कुछ बहुत अहमियत रखता है। मकसद सकाफत तक सबकी रसाई को मुमकिन बनाना है, इसे अवामी मकामात तक पहुंचाना है। आर्ट इस वजह से भी सबके लिए मुमकिन है क्योंकि वो मुफ्त है। इस तरह हम सिर्फ दानिशवरों तक ही नहीं पहुंचते, बल्कि उन तक भी जो आम तौर पर थिएटर में नहीं जाते। थिएटर शुरू होने से एक घंटा कबल अदाकारों ने मेकअप करना और दीगर तैयारियां शुरू कर दी। 45 मिनट दौरानिए के ड्रामे के लिए हस्बे तवक्को दरिया का किनारा शायकीन से भर गया। अक्वाफोर्ट एक सहल और रंग बरंगा ड्रामा ही नहीं, इसमें मौजूदा मसाइल जैसे पनाह गुजीनों की सूरत हाल पर भी रोशनी डाली गई है। तो कैसा लगा आपको आज का शो? अपनी राय जरूर दीजिए #सवाल के साथ हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट पर। सवाल में शामिल रिपोर्ट्स देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं सवाल का खुसूसी पेज हमारी वेबसाइट dw.com/urdu पर। अब दीजिए हमें इजाज़त, आइंदा हफ्ते फिर हाजिर होंगे साइंस की दुनिया की मजीद हैरत अंगेज रिपोर्ट्स के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।